हेलो दोस्तों दोस्तों आज का जो आईपीएल मैच है वो है दोस्तों हैदराबाद वर्सेस बेंगलोर के बीच। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको सारा का सारा डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूँ। दोस्तों पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, कहाँ पे मैच चलेगा, कितना स्कोर यहाँ पे बन सकता है और किसने किसने इस पिच पर अच्छा प्रदर्शन किया है, मैं शुरू से लेकर अंत तक सारा कुछ डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और दोस्तों अगर आप किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन में टीम बनाते हो जैसे कि ड्रीम इलेवन माई इलेवन सर्कल, तो दोस्तों मैं आज आपको स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों का टीम मैं आपको अभी बना के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चल दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का पिच रिपोर्ट क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो मैच है वो हैदराबाद में खेला जाएगा। ये पिच जो है वो पूरा का पूरा बैटिंग पिच है और इसमें जो है पेसर्स को यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलती है। वेदर जो है वो ओवरकास्ट रहेगा। एवरेज अगर हम रन की बात करें तो दोस्तों एवरेज रन जो है वो 164 है, 164 रन यहाँ पे लगभग बनते हैं। और अगर हम टोटल विकेट्स की बात करें तो 60 विकेट यहाँ पे टोटल गिरे हैं, जिसमें से 37 विकेट जो है पेसर्स ने और 23 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने लिए हैं। तो मतलब कि पेसर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलता है यहाँ पर। तो अब हम लोग देखते हैं कि किसने किसने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर विराट कोहली जो है 5 मैचों में लगभग 43 की औसत से यहाँ पर रन बनाए हैं। अनमोल प्रीत जो है वो 1 मैचों में 36 की औसत से यहाँ पर रन बनाए हैं। मयंक अग्रवाल जो है 5 मैचों में 32 की औसत से यहाँ पर रन बनाए हैं। वहीं अगर हम बॉलिंग की बात करें तो दोस्तों मोहम्मद सिराज जो है 5 मैचों में 1.5 की एवरेज से यहाँ पर विकेट चटकाए हैं। मयंक मार्कंडे जो है 5 मैचों में 1.2 की औसत से यहाँ पर विकेट चटकाए हैं। भुवनेश्वर कुमार जो है 5 मैचों में 1 की एवरेज से यहाँ पर विकेट चटकाए हैं। दोस्तों इससे हम लोग को जो है थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि किसने किसने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं सीधे अपने ड्रीम इलेवन पर और सबसे पहले जो है हम लोग स्मॉल लीग के लिए टीम बना लेते हैं। सबसे पहले स्मॉल लीग के लिए, उसके बाद जो है हम लोग ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्लासन को आप ले लीजिएगा। क्लासन जो है बहुत ही अच्छी फॉर्म में है तो इनको आप ले लीजिएगा, या फिर अनुज रावत को ले लीजिएगा। इन दोनों में से किन्हीं को ले लीजिएगा, विराट कोहली को ले लीजिएगा, फाफ डु प्लेसिस, इसके बाद त्रिपाठी को, अभिषेक शर्मा को ले लीजिएगा। इसके बाद जो है आप ले भी सकते हो, इनको नहीं भी ले सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल को ले लीजिएगा, मार्करम को ले लीजिएगा, यहाँ से मार्को जेनसन को आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। दोस्तों बैटिंग पिच है तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। बाकी बॉलिंग पर चलते हैं तो मोहम्मद सिराज का यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है। भुवनेश्वर कुमार पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे तो उनको हम लोग अभी ले लेते हैं। बाकी दोस्तों आप जो है यहाँ से एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को आप खिला सकते हो, या फिर लोमरोल को खिला लो, या फिर दोस्तों आप अपने से किसी एक को खिला सकते हो, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आज हम लोग जो है इन्हीं के साथ जाएंगे। बात रहा कैप्टन और वाइस कैप्टन का, दोस्तों आपको ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। विराट कोहली को डायरेक्ट आप कैप्टन कर दीजिए, और वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो यहाँ पर आप जो है ग्लेन मैक्सवेल या फिर मार्करम को जो है आप वाइस कैप्टन कर दीजिए। ज़्यादा आपको रिस्क लेना ही नहीं है स्मॉल लीग के लिए। तो यही रहा मेरा आज का टीम, मैं इसे आप एक बार देख लें इसे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लासेन, अनुज रावत, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, राहुल त्रिपाठी, लोमरोल, अभिषेक शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, मार्करम, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद सिराज। ये रहा मेरा आज का स्मॉल लीग का टीम। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं ग्रैंड लीग के लिए। तो दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए सिंपल सा वही करना है, क्लासेन को आपको ले लेना है, अनुज रावत को ले लेना है, इसके बाद विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, मयंक अग्रवाल खेलेंगे तो आप देख लीजिएगा। टॉस के बाद जो है मैं टीम अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लेना। बाकी राहुल त्रिपाठी को, अभिषेक को ले लेते हैं, अब्दुल समद को आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल, मार्करम, मार्को जेनसन को आप ले भी सकते हो, इनको आप ले लो। ब्रेसवेल को आप ले सकते हो इनको, ठीक है, तो इनको आप ले लो जरूर से। इसके बाद जो है मोहम्मद सिराज और भुवनेश्वर कुमार या फिर टी नटराजन, इन तीनों में से किन्हीं को ले सकते हो। हम लोग चलते हैं टी नटराजन से और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब रहा दोस्तों बात कैप्टन और वाइस कैप्टन का, दोस्तों यहाँ पे आपको जो है थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा तभी आप यहाँ से अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। तो रिस्क क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, आपको जो है जैसे कि यहाँ पे फाफ डु प्लेसिस या विराट कोहली, यहाँ पे अगर इनको आप कैप्टन बनाते हो तो लगभग फाफ डु प्लेसिस को 40% लोगों ने जो है ऑलरेडी कैप्टन बना चुका है, ठीक है। तो आप लोग को थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से आप मार्करम को कैप्टन कर दो, और वाइस कैप्टन की बात करें तो विराट कोहली को आप यहां से वाइस कैप्टन कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। तो ये रहा मेरा आज का ग्रैंड लीग का टीम। यहां पे आप लोग देख सकते हो विराट कोहली का इस पिच पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। तो यहां पे देख सकते हो क्लासेन,
अनुज रावत, विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, ग्लेन मैक्सवेल, ब्रिसवेल, मार्करम, सिराज और टी नटराजन। ये रहा मेरा आज का ग्रैंड लीग का टीम। इन्हें आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा। बाकी टॉस के बाद अगर टीम अपडेट होता है तो मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर लें। और कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।